फिरोजाबाद जिले के नगर शिकोहाबाद। ग्रंथों को जलाने से बेहतर है कि मन के अंदर जो विषैली ग्रंथि अलगावत की है उस ग्रंथि को जलावे। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान करना बंद करे। अब उन लोगों में विग्रह पैदा कर चुनाव जीतने का सपना देखने की बजाय कोई विकास का मॉडल लाएं और मोदी के विकास के मॉडल का मुकाबला करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा फिरोजाबाद शोक संवेदना व्यक्त करने जाते समय सुभाष तिराहे पर गंगेश्वर पाठशाला में संस्कृति पाठशाला के छात्र छात्राओं ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा जिस तरह वेद मंत्रों का उच्चारण किया उससे पूर्व उप मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए और संस्कृत पाठशाला के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार तिवारी से मिले और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। लखनऊ आकर मिलने के लिए भी कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं उसकी बजाय वे अपने मन के अंदर जो विषैली ग्रंथि अलगाववाद की है उस ग्रंथि को जलावे। समाजवादी पार्टी अब सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान करना बंद करे। सनातन धर्म में तो शूद्रों को सबसे पवित्र माना गया है, उन्हें ऋषि का स्थान मिला है। महर्षि रविदास महर्षि वाल्मीकि इसके उदाहरण हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा बसपा की जो भाषा विभाजन करने की थी उसी पद चिन्हों पर अब सपा चल रही है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलित और पिछड़ों ने जो मतदान किया उससे ये लोग बौखला गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा सारी सीटें जीतेंगी। स्वागत करने वालों में संतोष वशिष्ठ अनिल पचौरी डॉक्टर पीएस राणा मयंक तिवारी अशोक शर्मा अशोक शुक्ला डीके शर्मा आदि ने स्वागत किया। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी उनका स्वागत किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखो ग्रंथों को जलाने से बेहतर है कि मन के अंदर जो विषैली ग्रंथि है अलगाववाद की उस ग्रंथि को जलावें। ग्रंथ जला के लोगों की भावना को दूषित ना करें। अपने मन की जो दूषित ग्रंथि है अलगाववाद की जातिवाद की संप्रदायवाद की उस ग्रंथि को जलावे। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान करना बंद करे। अब उन लोगों में विग्रह पैदा करके चुनाव जीतने की सपना देखने के बजाय कोई विकास का मॉडल लावे और मोदी जी के विकास से मॉडल से वो अपना मुकाबला करें। मैं समझता हूँ कि आधारहीन है लोग। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। समाजवादी पार्टी का कैंपेन चला रही है, मैं शूद्र हूँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? शूद्र बहुत उत्तम और श्रेष्ठ स्थान है। देखिए भारत की सनातन संस्कृति में इसका कोई वर्णन नहीं था, कार्यों के अनुसार विभाजन था। ये अंग्रेजों ने मुगलों ने जो शासन आए उन्होंने सनातन संस्कृत और खासतौर से हिंदू धर्म में विग्रह करने के लिए इस प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव किया। हमारे वहां तो ऋषि का स्थान मिला है, रविदास जी ऋषि महर्षि का, महर्षि रविदास महर्षि वाल्मीकि महर्षि, अगर आप देखो तो तमाम सुदर्शन महर्षि रविदास कितने महर्षि हुए हैं जो जिनको आप आज शूद्र के नाम से संबोधित करते हो। शूद्र और ब्राह्मण का भेद नहीं रहा है, जो कार्य के अनुसार श्रेष्ठता का भाव था और भगवान के श्री प्रभु के श्री चरणों से जो श्री चरण है सबसे पवित्र माने जाते हैं, भगवान के श्री चरणों की पूजा होती है और उसी चरणों से इनका प्रादुर्भाव मानते हैं सनातन संस्कृत में, तो ये तो सबसे श्रेष्ठ हुए। इनको बहका के यानी जो बसपा की भाषा थी विभाजन करने की उसको बोल के समझते हैं कि वोट का पोलराइजेशन कर लेंगे, असंभव है। गुजरात में अनुसूचित और पिछड़ों ने जिस प्रकार से वोट दिया, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने और अनुसूचित ने जिस प्रकार विधानसभा में वोट दिया है यही इनके अंदर खलबली का कारण है। करें चाहे जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारी की सारी सीटें जीतेगी। जो जिस प्रकार रामायण की प्रतियां जला रहे हैं उन पर कब तक बड़ी कार्रवाई होगी? मैंने कहा ना कि उनको अपने मन की जो दूषित ग्रंथि है वो जला नहीं, कार्रवाई कब तक चलेगी? जनता कार्रवाई करेगी, जनता।